बाकी और ये जितने भी मुकदमे आज़म खान साहब पर किए जा रहे हैं ये सिर्फ एक लीडरशिप को दबाने के लिए, एक आज़म खान की पहचान पर को धूमिल करने के लिए किए जा रहे हैं। अदालत ही हमारे देश को बचाई पड़ी है, वरना देश खत्म हो चुका होता। कि किसी का कोई अरमान बाकी ना रहे, बाद में कोई शिकायत न करे। आज मौका मिला है लोगों को, जितने चाहें मुकदमे दर्ज जरूर करवा दें। उनमें से कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ट्रेंड पर लाकर वो कर रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। उनमें से एक जिले लेवल के नेता हैं, पूरे चेयरमैन भी रह चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। वो जब ये जुल्म हो रहे थे ज़मीन वालों पर, जब आलियागंज पर या यूनिवर्सिटी के सिलसिले में जुल्म हो रहे थे, वो खुद में साथ में थे। उनके 4.25 बीघे ज़मीन के मसले में सिर्फ 25 से ज़्यादा FIR करना कहाँ की कानून है, कि इस घटना के सिलसिले में 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज करना ये सिर्फ जुल्म नहीं है तो और क्या है। नमस्कार, AR न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकिल रज़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामपुर की कचहरी में। यहां पर आज़म खान के ख़िलाफ़ जो आरोप लगे हैं और जो 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, उन्हीं से लेकर हम उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ एडवोकेट रहमान हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, लीगल तौर पर पहले प्रतिक्रिया में आप कैसे देखते हैं इन सारे मुकदमों को जो 80 से ज़्यादा मुकदमे आज़म खान के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं? लीगली तौर पे जहाँ तक सवाल है इनका, तो ज़्यादातर मुकदमे टाइम बार्ड हैं, जिनका संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए था। संज्ञान तो तब लिया जाता किसी मुकदमे का जबकि उसकी कोई हकीकत होती। ज़्यादातर मुकदमे ऐसे हैं कि जिनकी कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सिटी से मुतालिक कुछ मुकदमे हो सकते हैं जो ज़मीनों के सिलसिले में हों। बाकी और ये जितने भी मुकदमे आज़म खान साहब पर किए जा रहे हैं ये सिर्फ़ एक लीडरशिप को दबाने के लिए, एक आज़म खान की पहचान पर को धूमिल करने के लिए किए जा रहे हैं। अच्छा, ये पहचान को धूमिल करने के लिए किए जा रहे हैं, तो जो लोग जा रहे हैं, जो मुकदमे लगा रहे हैं, चाहे उसमें बकरी का मामला हो, भैंस का मामला हो, तो जब FIR पुलिस दर्ज कर रही हो, जहाँ तक बकरी को और बकरियों का, भैंसों का और पायलों का, इनको चोरी का सामान है, एक कोई भी समझदार इंसान ये समझ सकता है कि एक मिनिस्टर लेवल का इंसान जो सांसद है, क्या वो इन चीज़ों को करेगा। जहाँ तक पुराने मुकदमात का सवाल है, अभी सरकार, ये जो BJP की सरकार आई है 2017 में, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं UP में, तब से ये लोग कहाँ थे मुकदमे दर्ज कराने वाले? ये अचानक से सबका जनसैलाब अभी से क्यों आ गया? ये 80 से तरीके के आरोप भी तो सामने आए ना, कि उस टाइम पे जब FIR दर्ज कराने जाते थे तो सत्ता की हनक के खातिर जो प्रशासन है वो FIR दर्ज नहीं करता था। कितनी सच्चाई आपको लगती है इसमें? मुकदमे उस टाइम दर्ज करवाने जाते थे, सत्ता की हनक थी, मीडिया तो थी, मानवीय अधिकार तो था, अदालतें तो थी, अदालत में आना चाहिए था। अदालत ही हमारे देश को बचाई पड़ी है, वरना देश खत्म हो चुका होता। तो अदालत में आना चाहिए था उन्हें, मीडिया के सामने जाने चाहिए था, मानवाधिकार में जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? कहीं भी नहीं गए। लेकिन आज जब देखते हैं ना कि मरते पे और चार लाते सवार, आज देख रहे कमज़ोरी है तो लाओ आज जिसका भी जितना मुकदमे दिल चाहता। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा, आज़म खान साहब को एक प्रेस नोट निकाल देना चाहिए कि किसी का कोई अरमान बाकी ना रहे, बाद में कोई शिकायत ना करे। आज मौका मिला है लोगों को, जितने चाहें मुकदमे दर्ज ज़रूर करवा दें। कोई बाद में ये ना कहे कि हमारा अरमान ये रह गया कि आज़म खान पर मुकदमा हमने दर्ज करवा दिया। आपको क्या लगता है ये किसी के कहने पर ऐसा हो रहा है जो आम पब्लिक मुकदमे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कहने से हो रहा है कि आज जो लोग ज़्यादा ख़ास तौर से मुखालफत में हैं, नेता हैं, उनमें से कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत फ्रंट पर लाकर वो कर रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। उनमें से एक ज़िले लेवल के नेता हैं, पूरे चेयरमैन भी रह चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। वो जब ये जुल्म हो रहे थे ज़मीन वालों पर, जब आलियागंज पर या यूनिवर्सिटी के सिलसिले में जुल्म हो रहे थे, वो खुद में साथ में थे उनके। आज वो अलग जब हुए कि जब उनकी अपनी चेयरमैन पर बात आई, आज वो सब सामने आ गए। पहले उनके साथ थे वो लोग? जी, पहले साथ थे वो लोग, कुछ लोग उनमें से, और कुछ लोग, ये सब सियासी मसले हैं, अब कुछ सियासत के तौर पर उनको धूमिल करना चाहते हैं। अच्छा, ज़मीन का जो मामला आता है जौहर विश्वविद्यालय की, जी, जी, तो जब 4 बीघे का या 6 बीघे का जो भी मामला वो आता है, क्या वो बात सही है कि 4 बीघे का मामला है वो, और वो जो जुर्म है, मतलब जो हत्याई है, वो कबूला है उन्होंने क्योंकि हाँ 4 बीघे का जो मामला है वो सही है? अब किसने कूला है ये तो मुझे नहीं पता, उसमें FIR दर्ज हो गई है, विवेचना चल रही है, देखते हैं पुलिस क्या विवेचना निकल के आती है, क्या पेपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस निकल के आती है, उसके बाद ये तय किया जाएगा। फिर कोर्ट तय करेगी क्या ये मामला सही है, एविडेंस में क्या चीज़ वो शामिल करते हैं। जहाँ तक उसका सवाल है, सुनने में आया है कि सिर्फ 4.25 बीघे ज़मीन का मसला है, 4.25 बीघे ज़मीन के मसले में सिर्फ 25 से ज़्यादा FIR करना कहाँ की कानून है, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है, कानून भी ये कहता है कि एक मामले में एक ही FIR दर्ज होगी, दूसरी नहीं होगी। लेकिन आज जिसकी लाठी उसकी भैंस है, इसलिए एक ही इस घटना के सिलसिले में 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज करना ये सिर्फ जुल्म नहीं है तो और क्या है।
अच्छा, अभी एक मुकदमा दर्ज हुआ उनकी मरहूम माँ के खिलाफ, जबकि संवैधानिक तौर पर, लीगल तौर पर, इसके बारे में आपसे जानना जी। मरहूम माँ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा किस लेवल पे हुआ है, उन्होंने कहाँ जाके कोई कब्जा किया था या किसी को डराया धमकाया था। अब वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में सब सामने आएगा कि उनका क्या रोल दिखाया गया है, उसमें क्या है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ अभी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब आजम मुस्लिम लीडर हैं और ये जो प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है वो इसलिए चल रही है कि इस लीडर को ख़त्म किया जाए। आपको लगता है कि सारे मुकदमे जो ये हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि जो एक मुस्लिम लीडर है, एक चेहरा है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, इसके पीछे और कोई वजह ही नहीं है? मुस्लिम लीडर के होने की वजह से तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, लीडर है वो, जिसे कहते हैं लीडर, इसलिए मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और कामयाब एक लीडर है वो, और मुकदमे दर्ज होने के पीछे सबसे बड़ा यही हाथ है कि इनको बैक फ्रंट पर लाया जाए। क्यों लाना चाहते हैं, कौन है वो लोग? अब सियासत का झगड़ा तो यही है, मैं आगे जो लोग लाना चाहते हैं वो सब सियासी तो हैं, कोई एक आम आदमी तो है? किसी की व्यक्तिगत कोई लड़ाई है? व्यक्तिगत लड़ाई तो सामने रोज अखबारों में आपको देखने मिल रही है, लोग धरने दे रहे हैं, चंद लोग हैं जिनसे सामने से मुखालफत है। आदम खां की पब्लिक उनके साथ है, रामपुर की पब्लिक उनके साथ है, चुनाव में लड़ाया है, सरकार तब भी भाजपा की थी, आज उपचुनाव है, सरकार तब भी भाजपा की, और उम्मीद ये है कि चुनाव बम्पर वोटों से जीतेंगे वो। क्यों? ये मामला जितने भी चल रहे हैं, मीडिया चला रही है जिसको, ये किसी का पब्लिक का मसला नहीं है, ये चंद लोगों के मसले हैं, सियासी मसले हैं, उनके पीछे सियासी बार किए जा रहे हैं, उन गरीबों को सामने फ्रंट पर लाकर रखा जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जिनकी मुकदमे दर्ज कराए हैं, क्या उन्हें कुछ वापस दिलवाया अभी तक? चाहे वो यतीम खाने के हों, चाहे कहीं के भी हों, क्या किसी को कुछ दिलवाया तो नहीं है? मुकदमे दर्ज कर लिए, इन्वेस्टिगेशन होगी, एक रिकॉर्ड गंदा हो जाएगा किसी नेता का, कि ये एक हिस्ट्री शीटर बनाया जा रहा है एक नेता को, एक साफ छवि के नेता को जो संघर्ष किया है। जहाँ तक जेल की बात है, जेल में पहले भी गए हैं वो, संघर्ष किए हैं उन्होंने, एक कामयाब नेता है, एक ऐसे नेता को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है जो नेता हो सकता है रामपुर आने वाले 50 सालों में पैदा ही ना कर सके। इन सब चीज़ों को अलग रखते हुए ये देखने की ज़रूरत है कि रामपुर में विकास कितना हुआ है। अच्छा, इन विकास आरोपों को देखते हुए और जिस तरीके के लग रहे हैं, लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं एक के बाद एक, आपको लगता है कि अगर इस पर एक्शन होता है, कार्रवाई, अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो रामपुर को किस तरीके का खामियाजा उठाना पड़ सकता है, एजुकेशन के क्षेत्र में या विकास के क्षेत्र में, क्या लगता है? देखिए, एजुकेशन के क्षेत्र में जहाँ तक मसला ये है कि रामपुर के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। मैं खुद, मैंने मुरादाबाद से LLB किया, आज रामपुर के बच्चों की खुशनसीब ये है कि उन्हें रामपुर से बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो लॉ कर लेते हैं। मेरे जैसे और जाने कितने हजारों नए नौजवान निकल कर आ रहे हैं जो लॉ करने के, या कोई सी भी सारे कोर्सेज के अंदर हैं, उनको बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास आजम खान साहब ने इतना करा दिया है कि जो ये स्मार्ट सिटीज़ वाली जो BJP की चल रही हैं योजनाएँ, इनकी भी रामपुर में लाने की कोई खास बात है नहीं। क्यों? कि विकास के नाम पर सिर्फ सफाई की जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा, और सफाई के नाम पर कोई सफाईकर्मी अभी तक भर्ती नहीं किया गया। जो मायावती जी ने, जो अखिलेश जी ने UP में भर्ती कर दिए थे, सारे सफाईकर्मी वही हैं अभी तक, नया सफाईकर्मी दिखाओ। हर चीज़ पर स्वच्छता सेस लगा दिया गया। एक जो पॉलीथीन जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है, जो नुकसान देती है, जो जानवरों के पेटों में जाती है तो नुकसान देती है, गायों के या किसी भी जानवर के पेट में जाते हुए नुकसान देती है, उसी पर गांधी जी का चश्मा लगाकर, स्वच्छ भारत अभियान का चश्मा लगाकर वो COT देने लगती है, क्या मतलब क्या है उसका? वो अच्छी पॉलीथीन, वो चश्मा लगा के, उस पर स्वच्छता सेस लगा के, क्या वो CO2 देने लगी? नहीं, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं पब्लिक को। अच्छा, और स्वच्छता के बारे में जो चीज़ें चल रही हैं, भाई सफाईकर्मी की भर्ती करो, सफाई कर्मियों की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, आरोपों की बात मैं करूं, जैसे अभी हम सफ़र होटल की दीवार को ढहाया गया, कहीं ना कहीं अवैध होगी तभी ढहाया गया प्रशासन की तरफ से, तो और ये भी आरोप लगे हैं आजम खान पे कि सत्ता में रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग इन्होंने किया है, तो आप लीगल तौर पर कैसे देखते हैं और उस कार्यकाल को कैसे देखते हैं जब आजम खान सत्ता में? ये तो आज कहा जा रहा है कि आजम खान ने सत्ता का दुरुपयोग किया था, लेकिन मैं आप ये खुद आपसे पूछूंगा कि आज किस चीज़ का दुरुपयोग किया जा रहा है? आज का सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है, आपको लगता है सत्ता का? बिल्कुल क्यों नहीं हो रहा है भाई? यूनिवर्सिटी, एक आम लोगों के मुकदमे जो 20-20 साल से चप्पलें घिस जाती हैं जाने में अदालतों में, SDM साहब के यहाँ, ADM साहब के यहाँ, रेवेन्यू कोर्ट में जो भी मुकदमे चल रहे हैं, उनमें तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक आम आदमी के रास्ते में कोई रास्ता खोल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक आम आदमी शिकायत लेके जा रहा है रेवेन्यू से मुताबिक, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें ऐसी क्या इतनी जल्दी भी क्या है इन चीज़ों को तोड़ने की या ख़त्म करने की? नोटिस दीजिए, देखिए उसको, पहले तोड़ दिया, अब वो आजम खां का मसला है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, लीगल एक्ट के ना, कि अगर कोई शिकायत लेकर जा रहा है, वो भले ही किसी नेता के खिलाफ लेकर जा रहा है, उसकी शिकायत सुनी जा रही है, अच्छी चीज़ है ना? जी, किसी नेता की नहीं, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ क्यों सुनी जा रही है? किसी नेता की नहीं, पहले नहीं सुनी जाती थी भाई।
कहाँ सुनी जा रही थी? आजम खान ने सत्ता का दुरुपयोग किया, वो ये बात रखते थे ना कि पहले इसलिए नहीं सुनी जाती थी क्योंकि आजम खान सत्ता। आज आजम खान साहब का ये कहना कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, किसे सुनाए जाके? अच्छा इतनी जल्दी भी क्या है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन जो है वो सत्ता के इशारे पर या उसके इशारे, इसमें कोई शक होता है? जिसकी सत्ता उसका प्रशासन। अभी क्या लगता है फिर आजम खान को फंसाया जा रहा है? बिल्कुल बेशक फंसाया जा रहा है, इसमें कोई कहने वाली बात है? आजम खान ने किसी पायलट चुराई, आजम खान ने किसी के घर में डाका डाला, आजम खान नहीं उनके साथ में जो लोग थे उन्हें फंसाया जा रहा है, पुलिस अधिकारी हो या किसी भी तौर पे हो। तो आज अब रामपुर की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? उपचुनाव भी रामपुर की राजनीति में बहुत गर्मी पैदा हो गई है। पहले तो आम पब्लिक के ख्याल में ये बात ला दी गई थी कि यूनिवर्सिटी के मुतालिक लोगों पर जुल्म हुए थे, उसी के सिलसिले में FIR दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब आजम खां को राहत की सांस मिली है इसलिए कि उन पर इस तरह से निराधार, जिनका कोई बेस नहीं है, बेसलेस केस उनके खिलाफ रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। ना वो हालात हमें लगते हैं कि अदालत में लोग चल पाएंगे, ना उनमें हालात लग रहे हैं कि उनमें इन्वेस्टिगेशन अभी आसानी से पूरी हो सकती है, वो सब विवेचना का सिलसिला है अभी।